कल मैं लैपटॉप के बारे में कुछ रिसर्च कर रहा था, तभी मुझे पता चला कि इंडिया में जो सबसे ज़्यादा बिकने वाले ब्रांड है लैपटॉप के, उसमें आते हैं HP, डेल, लेनोवो और गाइस असूस। शॉकिंग है, क्योंकि आज से 2 साल पहले तक असूस के सिर्फ गेमिंग लैपटॉप्स काफ़ी ज़्यादा बिकते थे, नॉर्मल लैपटॉप भी बिकते थे, बट आज के डेट में गाइस टॉप 5 लिस्ट में असूस के लैपटॉप्स आने लग गए। और ये अचीवमेंट असूस के लिए, मुझे ऐसे लगता है 2-3 चीज़ें इन्होंने करेक्ट कर दी है, इसी वजह से इनके लैपटॉप्स काफ़ी वैल्यू फॉर मनी बन गए। सबसे पहली चीज़ तो इनके जो डिस्प्ले है वो बाकी ब्रांड से थोड़े अच्छे प्रोवाइड करते हैं। जैसे लेनोवो बजट में TN पैनल प्रोवाइड करता है, जो डेल के लैपटॉप्स हैं वहाँ पर आपको VA पैनल देखने मिलते हैं। वहीं पर असूस की बात करें तो ये स्पेसिफाई तो नहीं करते कौन सा पैनल यूज़ किया गया, बट अच्छे क्वालिटी के पैनल यूज़ करता है। अगर IPS पैनल के साथ लैपटॉप आ रहा है तो क्या ही बात, उसके साथ लेनोवो OLED पैनल के साथ जो लैपटॉप लाती है वो भी एक मोनोपोली है, क्योंकि और सारे ब्रांड्स हैं वो OLED पैनल के साथ लैपटॉप काफ़ी कम लॉन्च करते हैं। सो, आपको OLED पैनल के साथ लैपटॉप लेना है तो असूस ही ऑप्शन है। सेकेंड मेन फैक्टर है प्रोसेसर। नॉर्मल लैपटॉप्स जो बाकी सारे ब्रांड है U सीरीज़ प्रोसेसर के साथ आते हैं, तो थोड़े से लैपटॉप को P सीरीज़ के साथ भी दिख जाएंगे, बट जो असूस के लैपटॉप्स हैं वहाँ पर आपको H सीरीज़ के प्रोसेसर देखने मिल रहे हैं बहुत सारे लैपटॉप्स में। इवन एट 40,000 प्राइस पॉइंट आपको एक लैपटॉप देखने मिलता है जहाँ पर आपको P सीरीज़ का प्रोसेसर दिया गया। सो, ये एक रीज़न है। उसके बाद थर्ड रीज़न ये है कि जो ओवरऑल लुक है वो थोड़ा सा रीडिफाइन कर दिया असूस ने, और सारे लैपटॉप्स 40,000 रुपये से लेके 1 लाख रुपये तक जितने सारे अल्ट्राबुक्स आते हैं सारे ही काफ़ी प्रीमियम दिखते हैं। सो, ये 2-3 रीज़न है जिसकी वजह से असूस काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है मार्केट में। अब इसी वजह से हमने कहीं सिर्फ असूस के लैपटॉप सेलेक्ट किया आज के वीडियो के लिए। सो, असूस के बेस्ट सेलिंग लैपटॉप्स के बारे में बात करेंगे जो आप खरीद सकते हो आज के डेट में। गाइस, सबसे पहले 35,000 से शुरुआत करते हैं, क्योंकि वहाँ से अच्छे अच्छे लैपटॉप्स आना शुरू हो जाते हैं। उसके नीचे आपको अगर लैपटॉप खरीदना है तो डेडिकेटेड वीडियो हमने बनाई है अंडर 35,000, अंडर 30,000, वो सारे वीडियोस एक बार चेकआउट कर सकते हो। कमिंग बैक टू असूस लैपटॉप्स, पहला लैपटॉप है गाइस असूस वीवोबुक 14, 35,000 पे अवेलेबल है। इसमें आपको राइजन 3 7000 सीरीज का प्रोसेसर मिलता है, टू बी प्रिसाइज 7320U प्रोसेसर है, 4 कोर 8 थ्रेड ये फीचर करता है, 8GB की DDR5 रैम दी गई है, लेटेस्ट रैम है बट ये ऑनबोर्ड है, अपग्रेड नहीं कर सकते, 512GB की SSD है, डिस्प्ले यहाँ पर अच्छी क्वालिटी का यूज़ किया गया, फुल HD रेजोल्यूशन ये फीचर करता है, AMD Radeon के ग्राफिक्स है और MS Office 2021 आपको लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन के साथ आता है। एट 35,000 प्राइस पॉइंट बेस्ट बाय ये लैपटॉप। आपका बजट अगर इससे थोड़ा कम है तो Acer Extensa एक ऑप्शन है सेम प्रोसेसर के साथ, बट अभी सिर्फ असूस की बात करते हैं। सो, 35,000 में ये लैपटॉप डिसेंट है, खरीद सकते हो। 40,000 सेगमेंट की बात करें तो ये लैपटॉप हमने कई बार रेकमेंड किया है, असूस वीवोबुक 15, और इस प्राइस पॉइंट का सबसे बेस्ट बाय है। i3 1220p प्रोसेसर है, 10 कोर का ये CPU है और फुल स्क्रीन डिस्प्ले के साथ आता है, 8GB की रैम मिलती है, इसे अपग्रेड कर सकते हो आप, 512GB की SSD है, 6 घंटे का बैटरी बैकअप आसानी से प्रोवाइड करता है और इसमें आपको MS Office भी मिल जाता है। 40-42,000 रुपीज़ के अराउंड आपको अगर ये देखने मिले तो डेफिनेटली खरीद सकते हो, काफ़ी अच्छा लैपटॉप है। अब अंडर 50,000 की बात करें तो 2 लैपटॉप है इस प्राइस पॉइंट पे जो बेस्ट वाइज है। सबसे पहले तो असूस वीवोबुक 16X, काफ़ी अच्छा लैपटॉप है ये प्राइस पॉइंट के हिसाब से। 16GB रैम आप अगर खरीदते हो तो 52,000 में आपको मिल जाएगा, अगर आप 8GB रैम खरीदते हो तो ऑलमोस्ट 47-48,000 में आपको मिल जाएगा। रैम आप इन फ्यूचर अपग्रेड कर सकते हो, 16GB तक ये अपग्रेडेबल है। राइजन 5 5600H सीरीज़ का प्रोसेसर है, 16 इंच स्क्रीन साइज़ के साथ आता है और ये अच्छा क्वालिटी का पैनल यूज़ किया, अगेन WXGA पैनल है ये। और ये लैपटॉप उनके लिए जिन्हें भी हैवी कोडिंग करनी है, मशीन लर्निंग करनी है या फिर एडिटिंग पर्पस के लिए लैपटॉप ढूंढ रहे हो तो ये लैपटॉप के साथ जा सकते हो। अगेन और एक लैपटॉप बताना चाहेंगे जो अगेन एडिटिंग के लिए वेल सूटेड है, इसका नाम है असूस वीवोबुक 15। इसमें आपको जो प्रोसेसर देखने मिलता है वो i5 12500H है। अब ये लैपटॉप करंटली 49999 के प्राइस पॉइंट पे अवेलेबल है, बट कितने देर तक ये अवेलेबल रहेगा ये हम बता नहीं सकते, क्योंकि नॉर्मल डेज में 55,000 रुपीज़ के अराउंड मिल जाता है ये। 8GB की ऑनबोर्ड रैम देखने मिलती है, इसे आप अपग्रेड नहीं कर सकते। 15.6 इंच का डिस्प्ले है, फुल HD रेजोल्यूशन ये फीचर करता है, इंटेल i3 6K ग्राफिक्स है, 1.7 kg ये वे करता है और 6 घंटे का बैटरी बैकअप आसानी से प्रोवाइड करता है। अब ये लैपटॉप जिसे भी खरीदना है तो एक चीज़ याद रखना, इसका जो डिस्प्ले है वो अप टू द पॉइंट नहीं है। असूस वीवोबुक 16X के साथ जो डिस्प्ले आता है वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है, बट इस लैपटॉप के साथ जो डिस्प्ले आता है वो एवरेज क्वालिटी का है। सो, ये चीज़ याद रखना। अब जिन्हें भी डिस्प्ले भी टॉप क्वालिटी का चाहिए उसके लिए गाइस अगला लैपटॉप बताता हूँ, वो कंसिडर कर सकते हो, बट वो ऑलमोस्ट अंडर 60,000 रुपीज़ प्राइस सेगमेंट में आता है। सो, थोड़े से पैसे आपको एक्स्ट्रा खर्च करने पड़ेंगे। अगेन, इसका नाम है असूस वीवोबुक S15, काफ़ी अच्छा लैपटॉप है, S सीरीज़ का लैपटॉप है,
15 and 999 में अगर ये लैपटॉप आपको देखने मिलता है तो डेफिनेटली बेस्ट बाय है, खरीद सकते हो। इस लैपटॉप में भी सेम प्रोसेसर है i5 12500H, बट एक चीज़ है, यहाँ पर जो डिस्प्ले प्रोवाइड किया गया है काफ़ी अच्छा डिस्प्ले है एज़ कम्पेयर टू गाइस असूस वीवोबुक 15। और ये एस सीरीज़ का लैपटॉप है तो फुल्ली मेटल बिल्ड में आता है, मिलिट्री ग्रेड सर्टिफाइड है। और रैम की बात करें तो 8GB की यहाँ पर भी ऑनबोर्ड रैम दी गई है, 15.6 inches का डिस्प्ले है, 100% sRGB कलर गैमेट, इंटेल आई सेक्सी के ग्राफिक्स देखने मिलते हैं, बाकी सारी चीज़ें ऑलमोस्ट सेम है, 6 घंटे का बैटरी बैकअप ये भी प्रोवाइड करता है, 60,000 rupees के अराउंड अगेन खरीद सकते हो। और एक लैपटॉप है जो 60,000 rupees के अराउंड आता है, ये भी वैल्यू फॉर मनी लैपटॉप है, इसका नाम है असूस वीवोबुक 15 i7 12650H प्रोसेसर है, काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है, इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से इतना अच्छा प्रोसेसर शायद ही कोई और कंपनी आपको दे सकती है। एट द सेम टाइम 15.6 inches का FHD पैनल है, इंटेल आईरिस एक्सी के ग्राफिक्स देखने मिलते हैं और 6 घंटे का बैटरी बैकअप ये आसानी से प्रोवाइड करता है। अब ये लैपटॉप भी आपको अगर 60,000 rupees के अराउंड देखने मिले तो बेस्ट बाय है। सो ये थे कुछ बेस्ट लैपटॉप जो आप खरीद सकते हो 35,000 rupees से लेकर 60,000 rupees के बीच में। कुछ आपको अगर कन्फ्यूजन है इन सारे लैपटॉप्स में तो कमेंट करके पूछ सकते हो, या फिर आपके मन में कोई और लैपटॉप है उसके बारे में कोई कन्फ्यूजन है तो वो भी पूछ सकते हो, हम ज़रूर से हेल्प करेंगे। वैसे मेरा नाम है सागर, वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करना।